फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपको चाय पिलाने के लिए ले आए हैं, तो चलिए चाय पीते हैं। और ये हमारी चाय अच्छी तड़के वाली बन करके हो गई है तैयार, कड़क। और आ जाइए आप लोग भी, चाय पी लेते हैं। तो आज की वीडियो की शुरुआत मैंने की है चाय से। चाय हमारी बन रही है और आज से मेरे कॉलेज हो गए हैं स्टार्ट, तो आ करके मैं चाय पीती हूँ। 6:30 बजे जब मैं आती हूँ शाम को, तो ये देखिए चाय हमारी बन रही है और कितनी अच्छी बन रही है चाय, और चाय पूरी थकान दूर कर देती है। तो चलिए इसको छान लेते हैं। और मैं देखिए अब इसको छान लेती हूँ, चाय हमारी बन गई है। और उधर मेरा दूध गर्म हो रहा है, आटा भी लग गया है, काफ़ी काम हो गए हैं, क्योंकि आने के बाद मैं जल्दी जल्दी खाना बनाना रहता है, इसके बाद पढ़ाई भी करना रहता है मुझे। और इसी चक्कर में मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल पाई, बट अब हमारा रूटीन बन जाएगा और कॉलेज भी मेरे स्टार्ट हो गए हैं। तो आप लोग दुआ कीजिएगा भगवान से कि आराम से इसी तरीके से सब कुछ चलता रहे, और आप लोगों की दुआएं और आप लोगों का साथ जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है। और आप लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं ना रियली में, कि एक मतलब परिवार, जो 2 परिवार होते हैं मायके और ससुराल के बाद में, एक मेरा नया परिवार बन गया है जो मैंने खुद ने बनाया है आप लोगों के साथ मिल करके। और आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट दे रहे हैं कि मतलब मुझे विश्वास नहीं होता कि मेरा खुद का एक नया परिवार बन गया है पिंकी की दुनिया। तो ये देखिए चाय मैंने छान ली है, यहीं पर मैं प्याज काट लेती हूँ, क्योंकि आज हम बनाएंगे सेव की सब्ज़ी। और सेव की सब्ज़ी जो है बेबी को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज हम लोग वही बनाने वाले हैं। तो चाय जब तक ठंडी होती तब तक मैं प्याज छील लेती हूँ और यहीं पर काट लेती हूँ, क्योंकि शाम के टाइम जब मैं आती हूँ तो बच्चों को दिन भर रिंकू देखती है घर में, आप लोग जैसे कि जानते हैं। और देखिए उधर मेरा दूध निकल गया था, मैं इधर प्याज काट रही थी और इंडक्शन पे दूध जो है मेरा निकल गया था आज। और मतलब जब हम लोग कोई एक काम करने लगते हैं ना, तो दूसरे काम में मन नहीं लगता है। देखिए वीडियो में दिख रहा है, और ये देखिए निकल गया है मेरा दूध, निकल गया तब मैंने देखा। और तो चलिए प्याज काट लेते हैं और चाय पी लेते हैं, मिलते हैं सब्जी में तड़का लगाने के टाइम में। और हल्की फुल्की सब्जी बनाऊंगी आराम से, सेव की सब्जी। जब भी आपके घर में सब्जी ना हो तो आप 2 प्याज काट करके आराम से सेव की सब्जी बना लें। और सेव टमाटर भी बनाते हैं, बट मेरी दवाई चल रही है इसलिए मैं टमाटर का ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी, तो इसीलिए मैं सेव की सब्जी बनाऊँगी आज, और सिंपल सेव बनाऊँगी और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं गैस के पास में, और मैंने 2 चम्मच इसमें रिफाइंड डाल दिया है। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, और जो सेव कुंदन वाले आते हैं उनकी आप बनाइएगा, बहुत ही अच्छी लगती है ये सब्जी। और जब कोई भी सब्जी ना सूझे तो बनाइएगा ये। और ये देखिए प्याज को मैंने भून लिया है सिंपल तरीके से, अब ये मसाला मैंने बना लिया है, और अब हम इस मसाले में डाल लेंगे पानी। तो ये देखिए मैंने पानी भी डाल दिया है, और पानी डाल करके इसमें मैंने 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच मिर्ची और नमक और हल्दी पाउडर डाला है, बस 4 ही चीज़ डाली हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल लें। और ये देखिए अब हमारा मसाला भुनेगा, और मसाला भूनने के बाद में फिर हम इसमें ऐड करेंगे सेव। तो ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत जल्दी झटपट बन जाती है। जब भी आपका मन करे कि जल्दी से बनाना है कुछ, तो बनाइए सेव की सब्ज़ी और रेस्टोरेंट का मज़ा देगी बिल्कुल, आराम से गरम गरम रोटी के साथ सेव की सब्ज़ी खाइएगा। तो चलिए मसाला भून लेते हैं। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से भुन गया है, अब हम इसमें डालेंगे सेव। तो ये देखिए 1 कटोरी मैंने सेव लिए थे, इसमें वो जो मसाला बनाया था उसी कटोरी में मैंने ले लिए थे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, पानी हमको तुरंत ही डाल देना है, क्योंकि सेव जो है ये घुलते तो नहीं हैं, बहुत देर खदकाने के बाद में, बॉयल करने के बाद में घुलते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी के सेव होते हैं। और अब हम इसमें अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी डाल देंगे, और ये देखिए हमारी सब्ज़ी अच्छी ग्रेवी वाली बन करके हो जाएगी तैयार। तो ये देखिए मैंने पानी डाल दिया है,
और अब हम अपने अंदाज के अनुसार इसमें पानी डाल देंगे। जितनी आपको ज़रूरत है उतना पानी आप इसमें डाल सकते हैं। और सेव की सब्ज़ी किस किस को है पसंद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो सेव की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है हर जगह, और गुजरात की ये फेमस रेसिपी है। तो इसको देखिए मैंने बना दिया है, अब हम बनाएंगे रोटियां। तो आटा लगा ही लिया है और मैं और रिंकू मिल करके यहीं पर बात कर रहे हैं और यहीं पर बनाएंगे रोटियां। वो बेल रही है, मैं सेक रही हूँ, हम लोग दोनों मिल करके इसी तरीके से कर लेते हैं काम, तो जल्दी हो जाता है। क्योंकि वो पूरा दिन बच्चों को देखती है और शाम को भी मेरे को काम करवाती है, मतलब उसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और मैं क्या ही बोलूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। भगवान ऐसी बहन सबको दे, और जैसे कि मैंने कहा था कि माँ मासी जैसी होती है, बट मेरी बहन जो है, मेरे बच्चों की मासी जो है, वो माँ से भी बढ़कर है। तो बस भगवान उसको जल्दी से कहीं उसकी जॉब लगा दे, बस यही दुआ है मेरी। और देखिए ये देखिए मैंने रोटियां बेल रही है वो, और मैं सेक रही हूँ यहीं पर। और कॉलेज से आने के बाद में बस मेरे लिए सब्जी और रोटी ही बचता है कि सब्जी में तड़का लगा दे, और रोटी भी वही बना लेती है। मतलब उसने इतनी मदद की है ना मेरी मेरी लाइफ में कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और मेरे को बिल्कुल कमी महसूस नहीं होती किसी भी चीज़ की, और हमेशा मतलब तसल्ली मिलती है मतलब हर बात में, और बहुत ही अच्छी है वो। और देखिए रोटियां मेरी फूली फूली बन रही हैं, और उधर बन रही है हमारी सेव की सब्जी। आज ज़्यादा ठंडी नहीं है, फिर भी मैंने शॉल ले लिया है, क्योंकि बाहर से जब हम आते हैं ना तो ठंडी लगने लगती है। तो वहीं पर मैं सेव की सब्जी को चलाती जा रही हूँ, और वो रोटियां बेल रही है। तो चलिए रोटी बना लेते हैं, फिर मिलते हैं। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि कैसे हैं आप सब। तो आज से मेरे कॉलेज हो गए हैं स्टार्ट, तो आज मैं कॉलेज गई थी, और फिर वहाँ से आने के बाद में फिर मैंने डिनर बनाया हम लोगों ने, दोनों ने, मैंने और रिंकू ने मिल करके। और अब मैं आपको मेरे कॉलेज की वीडियोज़ दूँगी, तो जितना हो सकेगा उतना मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। और आज मेरा फर्स्ट डे था, तो इसलिए आज मैं वीडियो नहीं बना पाई, और आंखें देखिए मेरी सूज गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है और थकान बहुत ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि एक घंटा जाने में एक घंटा आने में लगता है यहाँ से। तो ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि बहुत ज़्यादा, तो उसी चक्कर में थोड़ा सा टाइम लगता है जाने आने में कॉलेज। मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं रास्ते में। और आज मेरा वीडियो देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और कॉलेज में भी जो जो लोग मतलब जो जो चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा पाऊँगी वो पक्का दिखाऊँगी। और मेरा कॉलेज बहुत ही अच्छा है, और आज बहुत खुशी मिली कि एक साल पूरा एक साल हो गया, 11 महीने बाद मैं कॉलेज गई हूँ, क्योंकि 11 महीने से हमारी ऑनलाइन क्लासेस ही चल रही थी। तो मैं आप लोगों को पक्का सब कुछ घुमाऊँगी, और अभी तक आप मेरी घर की वीडियोज़ एंजॉय कर रहे थे, अब मैं आपको बाहर की वीडियोज़ भी दिखाऊंगी। इस बात की बहुत खुशी है मुझे कि आप लोगों को मैं और भी घुमा पाऊंगी। तो चलिए अभी हम लोग डिनर कर लेते हैं, और इसके बाद क्या मिलते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो, तो इस वीडियो का मैं यहीं पर करती हूँ एंड। और आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि मेरा न्यू वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल पाए। और चलिए आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि कॉलेज में कहाँ से जाती हूँ, और बीच में रास्ते में क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं। और मिलते हैं कल से कॉलेज के रूटीन पे, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय।